राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य और इस राज्य का एक जिला झुंझुनू और इस जिले में बसा हुआ एक गांव चुड़ैला। हर क्षेत्र के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी यहां उत्तरोत्तर तरक्की हुई और यहां शिक्षा के क्षेत्र में कुछ लोगों का अभूतपूर्व योगदान रहा। आज सुबह एक विशालकाय भवन के बाहर चहलकदमी करते कदम के संग संग मेरे मस्तिष्क में कुछ लाइनें गूंज रही थी कि प्रसिद्धि के रास्ते आसान नहीं होते, उड़े बिना पहुंच में आसमान नहीं होते। कुछ खोया, कुछ पाया, कुछ नई राहें बनाई कि मेहनत के बिना मुट्ठी में जहान नहीं होते, और ऐसा सचमुच देखने को भी मिला। एक नाम डॉक्टर विनोद टिबड़ेवाल और उनकी ऊंची सोच का इतना विशाल और सकारात्मक परिणाम, वो भी तब जब यहां दूर दूर तक रेगिस्तानी कटीली झाड़ियों के सिवा कुछ भी नहीं रहा होगा जब इसकी परिकल्पना की जा रही होगी। विस्मित होकर मेरे कदम इस विश्वविद्यालय के प्रांगण में दाखिल हुए। हर एक कोने से विनोद जी के सपनों को मूर्त रूप में साफ साफ ढला हुआ देखा जा सकता था। मन में यह भी ख्याल आ रहा था कि इन वीरानियों में उनकी नजरों ने उस वक्त ऐसा क्या देख लिया था आखिर कि ऐसी जमीन और ऐसे इलाके में इतना विशाल विश्वविद्यालय स्थापित कर वो सफल भी हो जाएंगे एक दिन। अभी इस विश्वविद्यालय के कमरे में बैठकर मैं अपनी सोच कागज पर उतार ही रहा था कि इसी कमरे में दीवार पर टंगे एक बोर्ड पर मेरी नजर गई, जिस पर लिखा था, सोच से संभावनाओं तक का सफर हौसलों से होकर गुजरता है। और डॉक्टर विनोद टिबड़ेवाल जी का नजरिया और उस नजरिए की सफलता का राज भी समझ में आने लगा। श्री राजस्थानी सेवा संघ के तत्वाधान में सन 2009 में 30 एकड़ भूमि पर शुरू हुआ श्री जगदीश प्रसाद झाबड़मल टिबड़ेवाल विश्वविद्यालय आज और भी नई विविधता के नए आयामों को गढ़ता हुआ संचालित हो रहा है। जितना विशाल भवन उतने ही बड़े शिक्षा के क्षेत्र में इसके कदम। इस बाबत डॉक्टर विनोद टिबड़ेवाल जी से उनके ख्याल इस विश्वविद्यालय की परिकल्पना को लेकर क्या थे, यह भी जानना जरूरी था। बहुत पहले से शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करने की चाहत थी मेरी, और यही चाहत मुझे इस शिक्षा के क्षेत्र में मेरी मंजिल तक पहुँचाने के रास्ते बनाती गई। इस विश्वविद्यालय को और भी अच्छी तरह जानने समझने के क्रम में मैं मिला डॉक्टर ब्रिगेडियर सुरजीत सिंह पावला। देश की सेवा उपरांत पूर्ण रूपेणा शिक्षा में अपने आप को समर्पित कर चुके ब्रिगेडियर पावला शिक्षण क्षेत्रों को भी एक मिशन के रूप में लेकर चलते रहे हैं। डॉक्टर सुरजीत सिंह पावला का मानना है कि असंभव कुछ भी नहीं होता, दशा और दिशा सही रखनी पड़ती है, और अपने इसी मंत्र के बलबूते इन्हें पूर्ण विश्वास है कि अपने सक्षम डीन फैकल्टी मेंबर्स और कर्मठ यूनिवर्सिटी स्टाफ की बदौलत आने वाले निकट भविष्य में वो इस यूनिवर्सिटी को और इस क्षेत्र को विश्व स्तरीय एजुकेशन हब की पहचान दिलाएंगे। यहाँ के प्रेसिडेंट डॉक्टर कर्नल नागराज मंथा जी, टीम को साथ लेकर चलने के इनके तरीके ने विश्वविद्यालय के हर लोगों को इनसे जोड़े रखा है, और इनका विजन और मिशन सिर्फ एक है कि विश्वविद्यालय को अव्वल दर्जे की पहचान दिलाना और यहाँ के स्टूडेंट्स को विश्व स्तरीय मुकाम दिलाना। यहाँ के डायरेक्टर स्टेट डॉक्टर बालकिशन टिबड़ेवाल जी, जो विश्वविद्यालय की नींव पढ़ने से लेकर आज तक की हर गतिविधियों पर अपनी प्रगतिशील नजर रखते हैं, और इनके महत्वपूर्ण सुझाव इस विश्वविद्यालय की उन्नति में काफी सहायक साबित हुए हैं। यहाँ के प्रो प्रेसिडेंट डॉक्टर अनुराग, जिनके दूसरे कई देशों में दी हुई सेवाओं का अनुभव जेजेटी विश्वविद्यालय की सफल रणनीति बनाने में काफी कारगर साबित हुआ, और प्रो प्रेसिडेंट डॉक्टर कोमोडोर जवाहर जांगीर, जिन्हें विदेश में अपनी कार्यकाल के दौरान एक अलग पहचान मिली थी, और जेजेटी यूनिवर्सिटी को उत्कृष्टता प्रदान करने में भी इनकी अहम भूमिका रही है, और यहाँ के रजिस्ट्रार डॉक्टर मधु गुप्ता, जो विश्वविद्यालय में हर किसी की समस्याओं का तत्परता से समाधान ढूंढ लेती हैं
और विश्वविद्यालय को नई दिशा देने को सतत प्रयत्नशील। हर दिन सुबह आकर अपना काम धाम संभाल लेना और फिर देर शाम तक इनका यही सिलसिला बदस्तूर जारी रहता है, पर मैंने अपने लिए इन लोगों से समय निकाला। बहुत कुछ जानने के लिए, या फिर यूं कहें कि सब कुछ जानने के लिए, और जो जिज्ञासा मेरे मन में थी इस शिक्षण संस्थान को लेकर, उतनी ही आश्वस्त करती गई इन लोगों की देती हुई जानकारियां। विश्वविद्यालय की हर गतिविधियों पर बहुत पैनी नजर रहती है इन सबकी, और शायद जेजेटी यूनिवर्सिटी की सफलता का राज भी यही है कि डॉक्टर विनोद टिबड़ेवाल जी ने अपने नेतृत्व में बहुत भरोसेमंद और जिम्मेदार लोगों की एक सक्षम टीम खड़ी कर रखी है यहाँ की हर गतिविधियों को व्यवस्थित और सुदृढ़ तरीके से संचालित करने के लिए। डॉक्टर विनोद टिबड़ेवाल जी अपने सहयोगियों के मनोबल को बनाए रखने और प्रोत्साहित करने से भी कभी चूकते नहीं। इनका मानना है कि टीम जितनी सशक्त होगी, मंजिल उतनी ही करीब होगी। 212 टीचिंग स्टाफ और 150 नॉन टीचिंग स्टाफ आपस में खूबसूरत समन्वय बनाकर जेजेटी यूनिवर्सिटी को एक नई दिशा दे रहे हैं। लगभग हर विषयों की उच्च शिक्षा प्रदान की जाती है यहाँ। एक ही कैंपस में बहुत सारे इंस्टीट्यूट के तहत स्टूडेंट के हाई वैल्यू के स्टडी का विराट संसार है जैसे यूनिवर्सिटी। इस एक कैंपस के अंदर 15 इंस्टीट्यूट हैं: इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज, इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, इंस्टीट्यूट ऑफ एलाइड हेल्थ एंड मेडिकल साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज टेक्सटाइल्स, इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म ट्रेवल एंड होटल मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस। और इन सारे इंस्टीट्यूट के अंतर्गत 87 डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें 212 अपने अपने फील्ड के स्कॉलर और एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर के टीचिंग के एडवांस अप्रोच के साथ दी जा रही शिक्षा के तरीके से स्टूडेंट को एक नए अंदाज का माहौल मिलता है पढ़ने का। एक अद्भुत शिक्षण प्रांगण, एक विशाल विश्वविद्यालय, मतलब इस कैंपस में आकर स्टूडेंट्स परिपूर्णता से लबरेज एक विशाल शिक्षण दुनिया में समाहित महसूस करें अपने आप को। सचमुच कमाल का है ये कैंपस और इस कैंपस के अंदर की शिक्षा नगरी। उच्च शिक्षा में इस विश्वविद्यालय को किसी भी सब्जेक्ट पर रिसर्च के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म माना जाता है भारत में। रिसर्च स्कॉलरों की हर वर्ष भारी संख्या में मौजूदगी से यह प्रमाणित भी होता रहा। विश्व के 20 देशों के स्कॉलर यहाँ पीएचडी रिसर्च के लिए आते रहते हैं। इस यूनिवर्सिटी को पीएचडी रिसर्च प्रोग्राम के लिए एक्सेलेंट यूनिवर्सिटी का अवार्ड भी हासिल हुआ है। CMAI CCI टेक्नोलॉजी एजुकेशन एक्सेलेंट अवार्ड से नवाजा गया है जेजेटी यूनिवर्सिटी को। और ये बात इस यूनिवर्सिटी यहाँ के टीचिंग स्टाफ, रिसर्च स्कॉलर, ऑफिशियल स्टाफ के लिए एक गर्व की बात रही कि एक दूरदर्शी इंसान डॉक्टर विनोद टिबड़ेवाल जी के साये तले, उनके मार्गदर्शन में यह विश्वविद्यालय किन ऊंचाइयों को छू रहा है। और हर साल कॉन्वोकेशन में जब देश के उच्च स्तरीय लोगों के हाथों इन रिसर्च स्कॉलर और स्टूडेंट्स को डिग्री प्रदान की जाती है, तो वो लम्हा किसी उत्सव से कम नहीं होता। जीवन के नए सफर में कदम रखने को हर एक के लिए बेहद उत्साहित और खुशियों से लबरेज पल, हर कोई अपने ही अंदाज में जश्न मनाते हुए। इस यूनिवर्सिटी में आए दिन भारत और समाज के प्रबुद्ध
और बेहद प्रतिष्ठित वर्ग का आगमन होता रहता है, जिन्हें यूनिवर्सिटी अपने प्रांगण में सम्मानित करती है। उन्होंने भी यूनिवर्सिटी के कार्य प्रणाली की भरपूर सराहना की है। And of course, while reaching here, more than 1 hour, what I gathered from, pursued from this meeting or my presence here, I am forced to say, forced I mean, because my mind forced me to tell all these things. And once more I am congratulating all of you for the achievements. JJT यूनिवर्सिटी की तरफ से भारत के प्रबुद्ध वर्ग, शिक्षाविद और प्रतिष्ठित लोगों को भी डेलिट की मानक डिग्री प्रदान की गई है। उनमें से कुछ प्रमुख नाम हैं: गुजरात की गवर्नर महामहिम श्रीमती कमला बेनीवाल जी, अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर महामहिम श्री जेजे सिंह जी, मेघालय के गवर्नर महामहिम श्री आरएस मुसाहारी जी, स्कॉन चीफ श्री एच गोपाल कृष्ण महाराज जी, उत्तराखंड के गवर्नर महामहिम श्री अजीत कुरैसी जी, उड़ीसा के गवर्नर महामहिम श्री एस सी जामिर जी, हरियाणा के गवर्नर महामहिम डॉक्टर जगन्नाथ पहाड़िया जी, एक्स गवर्नर और एक्स चीफ जस्टिस राजस्थान हाईकोर्ट के डॉक्टर नौरंग लाल टिबड़ेवाल जी, राज्यसभा मेंबर, एक्स मेंबर प्लानिंग कमीशन और मुंबई यूनिवर्सिटी के एक्स वाइस चांसलर डॉक्टर बालचंद्र मुंगेकर जी, फिल्म अभिनेत्री श्रीमती हेमा मालिनी जी, साध्वी रितंबरा जी, शिक्षाविद और SNDT वीमेन यूनिवर्सिटी मुंबई की एक्स वाइस चांसलर डॉक्टर रूपा साह, मिजोरम के गवर्नर महामहिम श्री PS श्रीधरन पिल्लई जी, और ऐसे ही कई और गणमान्य जिन्हें JJT यूनिवर्सिटी ने उपाधि प्रदान की और सम्मानित किया। कहते हैं ना कि स्टडी के दिनों में छात्रों का हम सफर उनका स्टडी मटेरियल ही होता है। इस कैंपस में हर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट के लिए एक सेंट्रल लाइब्रेरी है, जिसमें वर्ल्ड लेवल के लगभग 40,000 बुक्स का अच्छा कलेक्शन है। यानी दुनिया में जाने के लिए, दुनिया को जानने के लिए एक कैंपस के अंदर ही सब कुछ। इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स हाईटेक तरीके से भी अपनी स्टडी जारी रख सके, इसके लिए हर विंग को ई मोड से जोड़ा गया है, ताकि ई बुक, ई जनरल, CD-ROM, DVD के साथ ऑडियो वीडियो टेप की मार्फत भी स्टूडेंट्स अपनी स्टडी कर सके। JJT यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया से भी लिंक्ड है, जिसका पूरा फायदा यहाँ के छात्र उठा पाते हैं। JJT यूनिवर्सिटी डेलनेट का भी मेंबर है, जिससे यहाँ के स्टूडेंट्स भारत के 7,007 लाइब्रेरीज और फॉरेन की लगभग 22 लाइब्रेरी से जुड़कर अपने स्टडी मटेरियल का विस्तार पाते हैं। किताबों की दुनिया का एक विशाल संग्रह यहाँ के स्टूडेंट को मिल सके, भरपूर ख्याल रखा है इसका इस यूनिवर्सिटी ने। यहाँ की लाइब्रेरी को पूरी तरह डिजिटाइज करने का भी बहुत फायदा मिला है JJT यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को। हर स्टूडेंट को एक स्मार्ट कार्ड के साथ एक ID प्रोवाइड कराई जाती है। अब इसका फायदा ये हुआ कि विगत दिनों और आज भी लॉकडाउन के पीरियड में भी स्टूडेंट्स और PhD रिसर्च स्कॉलर अपने घर से ही भारत और विदेशों की लाइब्रेरी से अपने स्टडी मटेरियल की सुविधा पाते रहे। और यहाँ यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के प्रिंसिपल और स्टाफ मेंबर्स ने हर कदम पर असिस्ट किया उन स्टूडेंट और रिसर्च स्कॉलर का उस लॉकडाउन के पीरियड में भी। और यही कारण भी है कि स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी पर भरपूर भरोसा करके चलते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी का साथ हर रूप में मिले यहाँ के हर स्टूडेंट्स को, इसको ध्यान में रखते हुए हर एक डिपार्टमेंट को हाईटेक लैब की सुविधा दी गई है, उनके अपने सब्जेक्ट के अनुरूप, कह सकते हैं बेहद एडवांस। एजुकेशन और रिसर्च प्रोग्राम के लिए इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड एसोसिएशन के साथ JJT यूनिवर्सिटी का ज्वाइंट कोलैबोरेशन और इसी के तहत चैम्बर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग साइन किया गया है। साथ ही साथ JJT यूनिवर्सिटी भारत के ISO, FICCI, COSIA, AIU और CSI का भी मेंबर है। यहाँ के स्टूडेंट्स
और रिसर्च स्कॉलर को दुनिया की नई खोज और नई जानकारी से रूबरू और अवगत करा सके। इसके मद्देनजर जेजेटी यूनिवर्सिटी रेगुलर बेसिस पर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस और वर्कशॉप का आयोजन करती रहती है, और विश्व स्तर पर भी इसका साफ मैसेज आता है कि जेजेटी यूनिवर्सिटी ने अपने यहाँ के लोगों को उनके स्मार्ट फ्यूचर के लिए एक बड़ा परिवेश और वृहद परिदृश्य मुहैया कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब थोड़ी नजर डालते हैं पढ़ाई से इतर कुछ और भी ऐसी व्यवस्थाओं और सहूलियतों पर कि आखिर क्यों जेजेटी यूनिवर्सिटी को एक उत्तम दर्जे का यूनिवर्सिटी माना जाता है और स्टूडेंट्स इसे अपना घर क्यों समझने लगते हैं। फ्यूचर डेवलपमेंट और स्टडी में लगे स्टूडेंट्स को अपना घर भी मिसिंग ना लगे, उनके लिए उनके घर के मानक पर ही हॉस्टल भी अवस्थित है इसी कैंपस में। बॉयज और गर्ल्स के लिए फुल फर्निश्ड और एयरी, स्पेसियस और बेहद साफ सुथरा, मतलब छात्रों के भविष्य के संग संग उनकी सुविधा, स्वास्थ्य और सुरक्षा का भी संपूर्ण ख्याल रखा गया है। सीसीटीवी कैमरा और हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से लैस कैंपस के हर क्षेत्र के लिए हॉटस्पॉट उपलब्ध कराई गई है यहाँ, ताकि स्टूडेंट को कहीं भी कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पीएचडी रिसर्च स्कॉलर और स्टाफ मेंबर्स के लिए भी ऐसे ही हॉस्टल की सुविधा दी गई है। जानते हैं जिनके बच्चे बाहर रहकर स्टडी करते हैं उनकी गार्जियन की सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? बच्चों के खाने पीने की, कि पता नहीं बच्चों को खाना कैसा मिलता होगा। यही नहीं, पीएचडी रिसर्च प्रोग्राम का एक बड़ा प्लेटफॉर्म होने के नाते देश के हर कोने से और विदेश से भी रिसर्च स्कॉलर यहाँ आते रहते हैं। कमोबेश खाने को लेकर उनकी भी चिंता कुछ ऐसी ही रहती होगी, पर हर शंका का निवारण भी समय के साथ ही होता है, और शायद दूर की सोच और अपनेपन का ख्याल भी इसे ही कहते हैं। विश्वविद्यालय का अपना अलग एक बड़ा भूभाग है जिस पर ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, और उसके सारे प्रोडक्ट उस किचन में इस्तेमाल होते हैं जिसका बना हुआ खाना यहाँ के स्टूडेंट्स और रिसर्च स्कॉलर खाते हैं। बेहतरीन कुक और किचन स्टाफ है इस बड़े कैंटीन में, जहाँ एक साथ लगभग 200 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इसके बावजूद हाइजेनिक पहलू का भरपूर ख्याल रखा जाता है, और पीने के लिए आरओ का ही पानी उपलब्ध है। विशुद्ध और संतुष्टि भरा भोजन, कहने में शायद अतिशयोक्ति ना भी हो कि बिल्कुल घर की तरह या फिर कभी कभार उससे भी बेहतर। जेजेटी यूनिवर्सिटी कैंपस में यह स्टूडेंट के लिए वृहद और हर आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से लैस भगवानी देवी वसंत लाल गोयनका नाम से एक ऑडिटोरियम भी है, जिसमें स्टूडेंट हर तरह की एक्टिविटीज का आयोजन कर सके, और लगभग पूरे साल कुछ न कुछ आयोजन यहाँ चलता ही रहता है। स्टडी टाइम और लाइफ से स्टूडेंट्स रिलैक्स हो सके इसका भी ख्याल खूब रखा गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, डॉक्टर विनोद टेवड़ेवाल जी इस यूनिवर्सिटी की मार्फत चुकी अन्य सामाजिक कार्यों में एक अच्छी और सकारात्मक भूमिका निभाने की हमेशा कोशिश करते रहे हैं। इन्हें भारत के अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट सामाजिक सहभागिता के साथ साथ अपनी जन्मभूमि शेखावटी क्षेत्र की तरक्की का भी हमेशा ख्याल रहा है। शेखावटी क्षेत्र में कला के क्षेत्र में उभरते प्रतिभाओं को भी एक सशक्त मंच मिल सके, इसलिए हर साल इस यूनिवर्सिटी में एक खास प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है, शामिका। इसका संचालन करती हैं डॉक्टर निधि प्रकाश यादव और उनकी टीम। इस प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी के अलावे पूरे शेखावटी क्षेत्र के स्कूल कॉलेज के साथ साथ हर आम लोगों को भी अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, और प्रतिभागियों को पुरस्कार के साथ साथ प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। डॉक्टर विनोद टिवड़ेवाल जी का मानना है कि इस तरह के आयोजन से शेखावटी क्षेत्र के वैसे प्रतिभाओं को जिन्हें कोई बड़ा मंच नहीं मिल पाता उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में मदद मिलेगी, और सचमुच कुछ बच्चे बड़े राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में
अपनी पहचान दर्ज करा चुके हैं। फिजिकल फिटनेस का ख्याल आज दिनचर्या का एक अभिन्न अंग हो चुका है हर किसी के लिए। यहां रह रहे हर स्टूडेंट या रिसर्च स्कॉलर के लिए हर गेम की फैसिलिटीज है, चाहे वो इंडोर गेम हो या आउटडोर गेम हो। हर गेम के लिए अपना ही प्ले ग्राउंड। आउटडोर में क्रिकेट ग्राउंड, हॉकी ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल ग्राउंड, जंपिंग एंड थ्रोइंग ग्राउंड, एथलेटिक्स ट्रैक, बास्केटबॉल कोर्ट, टेनिस कोर्ट, और इंडोर एक्टिविटीज के लिए बैडमिंटन कोर्ट, स्क्वैश कोर्ट, जूडो एंड रेसलिंग कोर्ट, वेटलिफ्टिंग एरिना, बॉक्सिंग एरिना, विलियर्ड और स्नूकर टेबल, टेनिस टेबल, जिम्नास्टिक एरिया, चेस एंड कैरम बोर्ड। यानी स्टूडेंट के रिक्रिएशन और फिटनेस के लिए हर बात का ख्याल इनके इंटरेस्ट के हिसाब से। योग गुरु बनकर भारत पूरे विश्व को इस विधा के ज्ञान से अलौकिक कर रहा है, तो फिर अपने ही देश में यह यूनिवर्सिटी कैसे वंचित रखता अपने स्टूडेंट को इस ज्ञान से। सबके फिटनेस को ध्यान में रखकर ही हर दिन यहाँ योगा क्लासेस भी चलते हैं, बेहद निपुण योगाचार्य की देखरेख में। धोती बस्ती नेति स्त्राटकम् नवलिकम् तथा कपालभाति चैतारी षट्कर्माणि प्रचक्षते। ये योग की 6 शुद्धि क्रियाएं हैं जो हठयोग में बताई गई है, अर्थात षट्कर्मों में सबसे आखिरी है कपालभाति। वस्त्रावलोहकारस्य रेचक्रोस संभ्रमो कपालभातिर्मिख्याता कफदोष विशेषिणी। 200 प्रकार के कफदोष इससे दूर रहते हैं। ये दुनिया की सबसे बेहतरीन कफदोष निवारक क्रिया है। पुरातन संस्कृति और आधुनिक ज्ञान विज्ञान का अनोखा संगम इस विश्वविद्यालय में तब देखना एक सुखद आश्चर्य से कम नहीं होता जब किसी खास समारोह में मेहमानों का स्वागत मंत्रोच्चारण से किया जाता है, और ये छात्र भी उसी वैदिक स्कूल के होते हैं जो श्री राजस्थानी सेवा संघ द्वारा संचालित होता है और यह विश्वविद्यालय के। डॉक्टर विनोद टिबड़ेवाल जी आधुनिक शिक्षा के साथ साथ पारंपरिक और वैदिक शिक्षा की वकालत अक्सर खुले मंच से भी करते रहते हैं, और ये इनके वैदिक परंपराओं और शिक्षा के प्रसार के प्रति लगाव को बखूबी दर्शाता है। हमें स्वतंत्र भारत में रुकने हैं और हम लोगों को हमारी वैदिक परंपराओं को, हमारे नैतिक मूल्यों को, इन सबको वापस जीवित करना चाहिए, और ये सब जीवित तभी होंगे जब हम सब मिलकर इसकी तरफ प्रयास करेंगे। संस्कृति से लेकर विज्ञान तक सबको जोड़े रखने की अद्भुत कला निष्पादित करता है यह विश्वविद्यालय। इतनी संपूर्णता में इस संस्थान की रूपरेखा गढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ा है डॉक्टर विनोद टिबड़ेवाल जी ने, और शायद इसलिए इनकी दूरदृष्टि की इतनी सफल परिणति दिखती है इस विश्वविद्यालय के हर कोने से। नेचुरोपैथी यानी प्राकृतिक चिकित्सा। नेचुरोपैथी का मानना है कि किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए हीलिंग पावर मनुष्य के शरीर के अंदर ही होता है, बस जरूरत होती है उसे प्राकृतिक रूप से अपने संग जोड़ने की, चाहे वो प्राकृतिक रूप से खान पान का हो, मसाज का हो या अन्य प्राकृतिक विधि। सेठ फतेह चंद पालीराम झुंझुनवाला नेचुरोपैथी सेंटर इसी यूनिवर्सिटी के कैंपस में अवस्थित है, जिसमें सभी लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ प्राकृतिक तरीके से हर रोग का इलाज और इसकी स्टडी होती है। इस मॉडर्न नेचुरोपैथी में आयुर्वेदा पंचकर्मा, आयुर्वेदा मसाज, स्टीम बाथ, मड बाथ, हिप बाथ, स्पाइनल बाथ के साथ नेचुरल थेरेपी, डाइट थेरेपी, फिजियोथेरेपी, योगिक थेरेपी और ब्यूटी थेरेपी के साथ साथ लाइफस्टाइल काउंसलिंग यहाँ के एक्सपर्ट प्रोफेसर्स के द्वारा दी जाती है। नेचुरोपैथी और योगा कोर्स के लिए भी अच्छे खासे स्टूडेंट की संख्या ये समझने के लिए बेहतर है कि आज के इस आधुनिक समय में भी प्राकृतिक तरीकों की जीवन शैली के स्टडी के प्रति स्टूडेंट का रुझान कितना बड़ा है। इसके साथ ही साथ इस यूनिवर्सिटी के ही कैंपस में रामेश्वर लाल झावरमल टिबड़ेवाल हॉस्पिटल संचालित होता है। लगभग 2,12,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट और हर सुविधाओं से लैस, 200 बेड का 24/7 एक्सपर्ट डॉक्टर्स की पूरी टीम, स्टूडेंट के किसी भी मेडिकल प्रॉब्लम के लिए तुरंत ही असिस्टेंस की व्यवस्था,
यानी अब घर से दूर रहकर भी घर के ही हम ख्याल और हर सुविधाओं के करीब हैं। मतलब एक कैंपस के अंदर हर किसी की हर जरूरत का ख्याल रखकर यूनिवर्सिटी ने जैसे एक छोटी सी दुनिया ही बना रखी हो यहां। शिक्षा का एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लेना ही काफी नहीं होता, उस साम्राज्य से शिक्षित होकर कितने लोगों का किस किस क्षेत्र में एक सकारात्मक योगदान समाज को मिला, ये भी एक मानक होता है और इस बिंदु पर भी खरा उतरता है ये विश्वविद्यालय। यहां से शिक्षा प्राप्त किए कई छात्रों ने तो भारत के साथ साथ विश्व में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज इस विश्वविद्यालय में हर संकाय की शिक्षा का संचालन और सफलतापूर्वक उसकी परिणति, यहाँ के हर एक शख्स की अपनी जिम्मेदारियों को सकारात्मक रूप से निभाने की गवाही देता है। नजरों में ढेर सारे ख्वाब पलते हैं इनके, और उन ख्वाबों में नए नए आयाम, और उन आयामों से समाज के हर एक तबके को संपूर्णता में शिक्षित कर देश को सुदृढ़ करने के सपनों को साकार करने की बेचैनी, और सचमुच सफलता की मंजिल तक पहुंचने के रास्ते भी तो यही होते हैं। रास्ते कुछ अब भी हैं पथरीले, हर कदम पर संभलना होगा, मंजिलें और भी है पाने को, इस सफर में कुछ कदम और भी चलना होगा। और वाकई सफर जारी है, JJT यूनिवर्सिटी का और डॉक्टर विनोद टिबड़ेवाल जी का, अभी कुछ और भी नई ऊंचाइयों को पाने को, कुछ और इतिहास बनाने को।